सी आई ई टी एन सी ई आर टी के जरिए पेश है चौथी जमात के लिए उर्दू की समय दरसी किताब इब्तदाई उर्दू सफा नंबर एक सबक एक नज़्म की आमद नज्म निगार इस्माइल मेरठी खबर दिन के आने की मैं ला रही हूँ उजाला जमाने में फैला रही हूँ बाहर अपनी मशरक से दिखला रही हूं पुकारे गले साफ चिल्ला रही हूं उठो सोने वालों के मैं आ रही हूं अजा पर अजा मूर्ख देने लगा है खुशी से हर एक जानवर बोलता है दरख्तों के ऊपर अजब चहचहा है सुहाना है वक्त और ठंडी हवा है उठो सोने वालों के मैं आ रही हूं ये चिड़िया जो पेड़ों पे हैं गुल मचाती इधर से उधर उड़ के हैं आती जाती दुमों को हिलाती परों को फुलाती मेरी आमद आमद के हैं गीत गाती उठो सोने वालों के मैं आ रही हूं सफा नंबर दो जो तोते ने बागों में टेंटे मचाई तो बुलबुल बुल भी गुलशन में है चहचहाई और ऊंची मुंडेरों पे श्यामा भी गाई मैं सौ सौ तरह दे रही हूं दुहाई उठो सोने वालों के मैं आ रही हूँ हुई मुझसे रौनक पहाड़ और वन में हर एक मुल्क में देश में और वतन में खिलाती हुई फूल आई चमन में बुझाती चली शमा को अंजमन में उठो सोने वालों के मैं आ रही हूँ इस्माइल मेरठी सफा नंबर तीन मश्क और मानी मशरक जिस तरफ से सूरज निकलता है अजब अनोखा अजीब गुल मचाना शोर मचाना चहचहाना आमद आना गुलशन बाघ मुंडेर दीवार के ऊपर का हिस्सा जो ढलवा होता है शामा एक सुरीली आवाज वाली छोटी काली चिड़िया बन जंगल चमन बाघ शमा मोमबत्ती अंजुमन महफिल रौनक चमक दमक चहल पहल गौर कीजिए इस नज्म में शायर ने बेदारी का पैगाम दिया है और बताया है कि सुबह होते ही हर तरफ सूरज की रोशनी फैल जाती है परिंदे चहचहाने और इधर उधर उड़ने लगते हैं हवा चलती है फूल खिलने लगते हैं और चहल पहल शुरू हो जाती है सफा नंबर चार सोचिए बताइए और लिखिए एक बाहर अपनी मश्रक से दिखला रही हूँ से क्या मुराद है दो दिन के आने की खबर लाने का क्या मतलब है तीन दरख्तों के ऊपर अजब चहचहा है का क्या मतलब है चार आखिरी बंद का मफहम अपने अल्फाज में लिखिए दिए गए मिसरों को सही लफ्ज से मुकम्मल कीजिए एक जो तोते ने बागों में खाली जगह मचाई तो बुलबुल -बुल भी गुलशन में है खाली जगह दो और ऊंची मुंडेरों पे खाली जगह भी गाई, मैं सौ सौ तरह दे रही हूँ खाली जगह तीन हुई मुझसे खाली जगह पहाड़ और वन में हर एक मुल्क में देश में और खाली जगह में चार खिलाती हुई फूल आई खाली जगह में बुझाती चली खाली जगह को अंजुमन में इन लफ्जों से जुमले बनाइए और खाली जगहों में लिखिए आजान गीत शमा चमन वतन सफा नंबर पांच दी गई तस्वीरों को गौर से देखिए पहली तस्वीर में पहाड़ के पीछे से सूरज निकल रहा है दूसरी तस्वीर में सूरज गुरूब हो रहा है तीसरी तस्वीर में गर्म कपड़ों के साथ एक लड़की को दिखाया गया है चौथी तस्वीर में सूरज की तपिश से लड़के को पसीना पोचता दिखाया गया है इन तस्वीरों में दिन रात और ठंडा गरम एक दूसरे के मुताज़ाद यानी उल्टे हैं यहाँ दिए हुए हर लफ्ज के सामने तीन तीन लफ्ज दिए गए हैं सही मुताज़ाद को खाली जगह में लिखिए उजाला चमकदार या अंधेरा या रोशनी खुशी मुसीबत या आराम या गम ऊंची ऊपरी या नीची या गहराई बुझाती जलाती या उठाती या सजाती ऊपर बराबर या दरमियान या नीचे सफा नंबर अलिफ और बे के कॉलम में बेतरतीब मिसरे लिखे हुए हैं उनको सही तरतीब में लिखकर शेर मुकम्मल कीजिए कॉलम अलिफ अजा पर अजा मुर्ख देने लगा है कॉलम्बे मेरी आमद आमद के हैं गीत गाती दरख्तों के ऊपर अजब चहचहा है खुशी से हर एक जानवर बोलता है ये चिड़ियाँ जो पेड़ों पे हैं गुल मचाती सुहाना है वक्त और ठंडी हवा है दुमों को हिलाती परों को फुलाती इधर से उधर उड़के हैं आती जाती यहां दी गई तस्वीरों को पहचानिए और उनके नाम लिखिए सफा नंबर सात बुलंद आवाज से पढ़िए और खत लिखिए रौनक अजब मुर्ख मशरक शमा इस नज्म को जुबानी याद कीजिए इसी के साथ ये सबक यहीं पर खत्म हुआ समय रिकॉर्डिस्ट बटीलैंग लिंगडो समय फनकार परवेज गौहर और शिमाइला परवेज एडिटिंग हिदायतकार और तखलीककार विमलेश चौधरी पेशकरदा सी आई ई टी एन सी आर टी नई दिल्ली भारत